व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब हम देखेंगे कि रदरफोर्ड्स मॉडल में क्या क्या लिमिटेशंस थे, यानी कि रदरफोर्ड्स मॉडल में क्या क्या कमियां थी या फिर क्या ड्रॉबैक्स थे। तो देखिए आंसर, द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम इज दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। यानी कि हम जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, लेकिन रदरफोर्ड्स मॉडल को यूज़ करके एटम्स के स्टेबल होने को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रदरफोर्ड्स मॉडल से हम स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। व्हेनेवर अ चार्ज्ड पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन undergoing accelerated motion through the nucleus, it loses energy continuously in the form of electromagnetic radiation। यानी कि देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उनके बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो अगर जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं यानी कि वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पर उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर उनका डायरेक्शन ये है, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो वहाँ पर इनका डायरेक्शन ये है, यहाँ पर ये है, देन यहाँ पर ये है, तो हर एक पॉइंट पर उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन्स का। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी कि ये एक एक्सीलरेटेड मोशन है, यानी कि वहाँ पर एक्सीलरेशन हो रहा है। तो अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, जब कोई चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा। अगर कोई पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन अंडरगो करता है देन वो एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर वो एनर्जी लूज कर रहा है देन the orbit of the revolving electron will keep on becoming smaller and smaller following a spiral path and ultimately the electron should fall into the nucleus that is collapse। यानी कि देखिए ये जो मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये है उनके ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स। मान लीजिए हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मैं अलग कलर से दिखाती हूँ। मान लीजिए हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है, राइट। तो उसका एनर्जी कम होते 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 ऐसे राउंड करते करते वो न्यूक्लियस में आके गिरना चाहिए था एंड वो शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस दैट इज कोलैप्स। यानी कि वो न्यूक्लियस में आके स्पाइरल पाथ फॉलो करके न्यूक्लियस में आके गिरना चाहिए था एंड वो काफ़ी अनस्टेबल होता ऐसा होता। तो दिस एक्चुअली डज नॉट हैपन एंड द एटम इज़ क्वाइट स्टेबल। यानी कि ऐसा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। एटम जो होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, तो इसलिए रदरफोर्ड मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि एटम स्टेबल क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी दिया उनके हिसाब से, उस थ्योरी के हिसाब से एटम काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में एटम स्टेबल होते हैं। तो इसलिए ये रदरफोर्ड का एक लिमिटेशन है, एक कमी है, क्योंकि उनका मॉडल ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।